फ्रेंड्स, माय नेम इज अफजल। मैं संजीव सर के पास आया हूँ इन 7 दिन के वर्कशॉप अटेंड करने। और इन 7 दिनों में मतलब 7 दिन के अलावा जो अपन ने जो अपन क्लास में किया ना, वो भी एक एक्सपीरियंस अपने को शेयर करना, ठीक है? तो वो 7 दिन तो हमारे जो वर्कशॉप थे उसमें तो काफी चीज मिली, और प्लस जो सर के साथ मैंने जो क्लास की है, वो क्लास करके जो अंदर मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, मतलब पहले से तो मतलब बहुत ज्यादा ही बिल्डअप हो गया। मतलब अभी सर के साथ क्लास करते करते बीच में एक ऑडिशन की भी मुझे मतलब ये मिली मौका कि ऑडिशन जाके दे। तो ऑडिशन किस तरह दें वो भी सर ने बताया, मैं गया वहाँ पर ऑडिशन दिया, उसी हिसाब से दिया, वही तरीका से दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप अगर सिस्टम में रहोगे ना, फिर आप आगे बढ़ पाओगे। कितने आदमी को मैं देखा जब ऑडिशन देखते हुए, यार कहीं से भी आ जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको चाहे एक्टिंग आता है नहीं आता, मतलब ऑडिशन करने चले। ऐसा नहीं होता भाई, अगर आपको प्रॉपर अगर एक्टर बनना है, आप सोच लिए कि एक्टर बनना है, तो आप उस पोजीशन मतलब उस सिस्टम से आप चलो, छोटा से ही फिर आदमी आगे बढ़ता है। तो वही सिस्टम मैंने सर का फॉलो किया। सर जिस तरह बताएं, जो कमियां थी मेरे में, उस कमियां को निकालते हुए मैंने आगे बढ़ा। वो कमी को जैसे निकाला तो अंदर से और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ मेरा। तो वही कॉन्फिडेंस लेके मैंने ऑडिशन भी दी, ऑडिशन देने में भी मुझे बहुत अच्छी लगे। और अच्छा क्या लगा, मतलब इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि कोई भी डायरेक्टर मुझे कहीं भी बुला सकता है, कुछ भी स्क्रिप्ट दे दे तो मैं आराम से परफॉर्म कर सकता हूँ। क्या चीज़ के लिए ऑडिशन दिया था सर? मैं वो नक्सल का एक ऑडिशन था, नक्सल के ऊपर बन रहे थे एक ऑडिशन, तो उन्होंने मुझे रात को स्क्रिप्ट दिया। तो मैंने सोचा यार इतने लंबे स्क्रिप्ट में इसको कैसे पढ़ूंगा, तो मैंने सर से एक आइडिया लिया। सर ने मुझे बताया किस तरह याद करना चाहिए, किस तरह दिमाग में रहेगा, तो वही तरीका भाई, तरीके से ही अगर आप करोगे फिर ही आप कामयाब होगे। तो सर का जो ने बताया उसी हिसाब से किया, और जाके मैंने एकदम कॉन्फिडेंस से मतलब अच्छा लेवल में मतलब जाके ऑडिशन दिया। और इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला कि मतलब उन्होंने ये बताया कि अभी तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपका है। तो मैंने उनको ये बताया सर ये सब क्रेडिट हमारे संजीव सर को जाता है, तो मैंने संजीव सर से ही सीखा है। और प्लस ये जो वर्कशॉप किए इसमें तो और भी जितने भी डाउट्स थे वो भी क्लियर हो गए। मतलब इतना फेक है फिल्म में, मतलब अगर फिल्म इंडस्ट्री में अगर आए तो मतलब आराम से, अगर जब सब चीज़ आप जान जाओगे ना तो एक्टिंग करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने हम लोग कल गए थे फिल्म स्टूडियो में, गए किस तरह सेट बनता, वो सारे सेट नकली होते हैं भाई, वो जो दिखते हैं वो है नहीं, हमें दिखाया जाता है। और उनके काफ़ी मेहनत होते हैं, प्रोडक्शन हाउस से मेहनत करते हैं, वो एक एक छोटी छोटी चीज़ उन्होंने परफेक्ट बना के देते हैं। ये सब समझ में आया यार एक्टिंग करना किस तरह है, किसके सामने किस तरह बात करना है। जब वहाँ पर गया काफ़ी सारे एक्टर थे यार, हमें लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आम इंसान है, हम जैसे इंसान है। तो ये उनको देख के मतलब ये कॉन्फिडेंस फील हुआ, अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये सर ने बताया। फिर हम लोग यहाँ डबिंग स्टूडियो में गए, किस तरह वॉइस अपना डबिंग होता है, किस तरह आप गाते हो, किस तरह साउंड को एडिटिंग करते हैं, ये सारा चीज़ संजीव सर ने हमको दिखाया। फिर आपने यहाँ ऑडिशन किस तरह आपको देना चाहिए ये भी बताएं। सो सब मतलब ये बोलना चाहता हूँ सर का जो वर्कशॉप है, मतलब सब क्लियर आप डाउट हो जाता, जितना भी डाउट है सारा क्लियर हो जाता। तो मैं आप लोग से ये करूँ, अगर आपको एक्टिंग करना है तो आप प्रॉपर सिस्टम में आओ। और आपको सर ये भी बता देंगे कि मतलब अगर आपके अंदर एक्टिंग है तो आप एक्टिंग कर सकते हो। देखिए हर इंसान के अंदर एक्टर छुपा होता है, तो वही चीज़ सर हमारे अंदर से उभार के बाहर लाते हैं कि हाँ बंदा में ये कमी है, ये खूबी है, सर ए टू जेड सब बता देते हैं। तो आदमी का अंदर जो कमियां को आप निकालोगे तो ऑटोमेटिक आप एक्टर बन जाओगे। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा 7 दिन का सर का वर्कशॉप का। मतलब मेरे में तो एटलीस्ट 100% कॉन्फिडेंस हाई हो गया कि मतलब अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, ऑडिशन दे सकता हूँ, कोई मुश्किल कोई परेशानी नहीं है भाई। नॉर्मल इंसान भी मतलब एक नॉर्मल इंसान जैसा है सर उसी तरह है, वो ऑडिशन दे सकते तो हम भी दे सकते। तो आप यही आप प्रॉपर सिस्टम से जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।